हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस पनीर लबाबदार की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ग्रेवी बनाने से। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल में मैंने ऐड कर लिया है 1 बड़ी प्याज जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था। प्याज को ऑयल में हम सॉटे कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ा टमाटर। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 छोटी हरी मिर्चें। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 5 काजू। इसको भी हम सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। इसको मैं ढककर कुक कर लूँगी लो टू मीडियम हीट पर ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अनियन भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और हम इसको ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा एक पेस्ट बना के हम इसको एक साइड पे रख लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इसका ये होगा कि हमने ऑयल में पनीर को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल में हमने ऐड कर लेना है पनीर क्यूब्स। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप मेरी तरह पनीर को ज़्यादा ओवर फ्राई मत कर देना। आप इसको बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना। आप मेरी वाली गलती मत कीजिएगा। वैसे ये उतने बुरे भी नहीं लगते अगर ये ओवर फ्राई हो जाए तो। टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। थोड़े ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेंगे। इसको भी मैं निकाल लूँगी और एक साइड में रख लूँगी। और सेम कढ़ाई में सेम ऑयल में हम ऐड कर लेंगे 1 अनियन जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसको भी हम अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे अनियन में। अगर आपको लगे कि ऑयल अनियन फ्राई करने के लिए बहुत कम है तो आप इसमें बटर या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे क्यूब्स में कटी हुई अनियन और कैप्सिकम। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने कहीं पे एक रेस्टोरेंट में खाया था पनीर लबाबदार, इस तरह के उसमें क्यूब्स आ रहे थे कैप्सिकम और अनियन के। बहुत कमाल के, बहुत इतना सोंदा लग रहा था खाने में, बहुत अच्छा का टेस्ट आ रहा था। और फिर यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे ग्रेट की हुई टमेटो। टमाटर को और अनियन को कुक कर लेने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्चों का भी यूज़ किया तो रेड चिल्ली मैं सिर्फ 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम कुक कर लेंगे ताकि जो जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल है वो सारी चली जाए और सारे जो मसाले हमने ऐड किए थे वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। अनियन और टमाटर को मैंने इसमें इसीलिए ग्रेट करके डाला है क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी कुक भी हो जाते हैं वो ग्रेट करके डालने से। अगर आप चाहो तो इसको चॉपर की हेल्प से आप इसको फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हो। जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसमें हम ऐड कर लेंगे पिसा हुआ पेस्ट जो हमने फर्स्ट बना के तैयार किया था। इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको ढककर हम कुक करने के लिए रख देंगे ताकि दोनों चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। 5 से 10 मिनट कुक होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे क्रीम। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो फ्रेश मलाई अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पे पानी भी ऐड कर सकते हो, आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है गरम मसाला पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कुक होने के बाद एट लास्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे पनीर के क्यूब्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। पनीर ऐड करने के बाद हम इसको दम पे पका लेंगे लो टू मीडियम हीट पर। ढककर हम इसको कुक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, तब तक ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए। परफेक्ट ग्रेवी की निशानी यही है कि आपका ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तभी आपकी जो ग्रेवी है वो परफेक्ट बनती है।
तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। और हम इसको सर्व करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ और चॉप की हुई कोरिएंडर लीव्स के साथ। ये बहुत कमाल की, बहुत मज़े की रेसिपी है। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।